ठीक है, 44 की 0, 44 × 88 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन व वक्रपृष्ठ ज्ञात करो जिसके आधार की परिधि और ऊंचाई दी गई। तो सबका आंसर आना चाहिए, सबको समझ में आ गया। तो पहले हमने आयतन निकाला, फिर बच्चों वक्रपृष्ठ निकाल लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी का आंसर आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लो बच्चा, उम्मीद करता हूं नोट हो गया होगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हम लोग क्या सीखा, एक नजर इस बात पर, 2021 का जो तुम्हारा पेपर है जितना कंटेंट है उसको बहुत ध्यान से पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि तुम्हारा जो पेपर को नजर में ध्यान में रखते हुए उद्धार हो जाए, समझे, एक सीट आपको मिले, समझे। तो ज्यादा समय नहीं है, अब आप लोग रिवीजन अपना अच्छे घर पे भी करते रहिएगा। देश दुनिया में क्या चल रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई है तभी सब कुछ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। हर व्यक्ति, हर विभाग का आदमी अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, समझे ना। जितने बड़े स्तर का आदमी, सेलिब्रिटीज जितने भी ले लो, पॉलिटिशियन जितने भी ले लो, वो ईमानदारी से अपने काम करते हैं। सेलिब्रिटीज को वक्त नहीं है, अक्षय कुमार के पास समय नहीं है किसी फालतू की बात करे। वो एपिसोड में भी जाता है तो उसका कहीं ना कहीं वहाँ कोई मतलब होता है किसी प्रमोशन की वजह से, समझे ना। सवेरे उठ जाएगा तो जिम में भी जाने का मतलब होता है कि पर्सनैलिटी अच्छी रहे तो लंबे समय तक हीरो बना रहे, जिससे लंबे समय तक पैसा आता रहे, है ना। हीरो की कैटेगरी मिलती रहे, ऐसा ना हो बाप का रोल मिलने लगे, इसलिए सवेरे उठ के फिटनेस पे ध्यान देता है, जाते टाइमली शूटिंग करता है, टाइमली खत्म करता है, साल भर में 4 फिल्में बनाता है। उसकी वजह क्या है, वो लगातार मेहनत कर रहा है। किसी को भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी एक को ले लिया, वो लोग उनका समय नहीं, वो पूछ लो कि जनरल नॉलेज की बात पूछ लो, वो तो कहो कभी कभी ये भी भूल जाते हो प्रधानमंत्री कौन है, अपने प्रधानमंत्री थोड़ा बातें ज़्यादा करते हैं इसलिए जो है भले ही लोग याद करते हो, मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री मान लो जो मीडिया में ही मान लो बात ही नहीं करते थे ज़्यादा, तो उनको तो भूल भी जाते होंगे लोग कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी को चलो याद रखते होंगे, समझे ना। लेकिन बेसिक नॉलेज उन लोगों के पास, किसी के पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने फील्ड का देखते हैं, वो कहते हैं मेरे फील्ड का बताओ, इसमें चलो चलो कॉमेडी करने चल के, इसमें मस्ती करने चल के, नाच गाना करने चल के, लेकिन प्रमोशन हो
चाहिए, हमारा रेटिंग बढ़नी चाहिए, हमारी टीआरपी बढ़नी चाहिए, वो उसी में रात दिन मग्न है, वो पर्सनल लाइफ से मतलब ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने 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 पैसे को कमाने में अपने पद को बढ़ाने में लगे पड़े हैं। और हम विद्यार्थियों क्या होता है, आप विद्यार्थी सब क्या करते हो, आप सब लोग क्या हो जाता है कि अरे थोड़ा वेब सीरीज देख लें, थोड़ा मूवी देख लें, थोड़ा उधर घूम आए, थोड़ा इधर घूम आए, थोड़ा पार्टी कराए, थोड़ा घूम आए, है ना, मस्ती कर लें, मजाक कर लें, कॉमेडी देख लें, ये खेल खेल लें, वो खेल खेल लें, ये कपड़ा पहनना, वो कपड़ा पहनना, ये चीज सोचना, वो चीज सोचना, हम आप हजारों कामों का पुलिंदा बना के रखे हैं और एक्चुअल जो हमारा फील्ड है इसको भूल जाते हैं। बेलन को भूल जाना, संघ को भूल जाना, गोला को भूल जाना, और जब पेपर में जाओ तो पेपर कहता है तुम्हारा फील्ड तो जानते हो क्या, बेलन बताओ जल्दी, बेलन का आयतन बताओ, बताओ गोले का आयतन बताओ, बताओ जल्दी से एपीजीपी में बताओ, इनमें पद का योग पर बताओ, बताओ प्रथम एन कितनी संख्याओं का योग बताओ। हाँ जी, वो तो ये तुमसे बातें करेगा, ये तुम्हारे फील्ड की बातें थी और तुमने बिल्कुल कॉमेडी में चले गए, है ना, चुटकुलों में चले गए, जबरदस्त लाइनों को पढ़ते हो व्हाट्सएप फेसबुक, क्यों पढ़ते हो, मत पढ़ो इन लाइनों को, क्या मतलब है, तुम्हारा समय ही नहीं है, शेर शायरी पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें मतलब कि उस ज्ञान को प्रयोग क्या करोगे, तुम कुछ ऐसा करो जो तुम्हारा नाम जो है ज्ञान के पुलिंदे में आ जाए, तुम्हारी कहानी लोग बताने लग जाए।
तुम फालतू की रामायण पढ़ रहे हो दूसरों की, ठीक है ना। रामायण मतलब नहीं, वो रामायण नहीं, रामचरित मानस वगैरह वो तो सुन लो, अगर कभी वक्त मिल जाए, अभी नहीं पेपर टाइम, जब पेपर वेपर हो जाए गाँव कस्बे में कथा वागो तो सुन लो, अच्छी बात होती है, ठीक है ना। तो मेरी बात समझे, तो हमने क्या कहा, फालतू में मत अपने समय व्यस्त करो। गूगल बैठ के स्टेटस ढूंढते हो कि आज स्टेटस क्या पोस्ट करें, आज कौन सी शायरी, अगर जिंदगी में जिस तरह घटना हो जाती है तो सोचते हो अच्छा दर्द भरी घटना हुई, तो गूगल डालते हो दर्द भरी शायरी जल्दी निकाल के दे दो, तो उसमें 10-20-50 पढ़ डालते हो, उनमें एक सेलेक्टेड कर निकालते, ऐसा लगता है तुम बहुत बड़े अभिनेता हो। तुम्हें तो दुनिया देख रही है, सारी दुनिया तुम्हारे में दीवानगी है। स्टेटस तुम डालते हो, 40 आदमी तुम्हारे स्टेटस जुड़े हैं, वो भी तुम्हें जानते नहीं, सही से बात नहीं करते हैं, स्टेटस तो कहते हो और कैसे हो, फेसबुक कहते हो कमेंट आप बहुत बढ़िया लग रहे हो, मस्त हो, वही सामने से बाइक से निकल जाता है वही इंसान, और तो हम लोग देखते तक नहीं, वही पिट रहा हो तो मतलब भी नहीं, फेसबुक पे लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, शेयर भी कर रहे, पता नहीं किस आडम्बर में, ना कोई सेलिब्रिटीज हो ना कुछ हो, फालतू में 30-40 तरह की लोग जुटा लिए हैं, अब बस उन्हीं में अपनी पूरी दुनिया बसा ली है, ऐसा लगता है तुम अब उस वर्ल्ड के मालिक हो, तुम पोस्ट कर दोगे तुम्हारी पोस्ट सब देखेंगे, सब सुनेंगे तुम्हारी पोस्ट, ऐसा कुछ नहीं बेटा, भ्रम है। तुम 20 दिन टीपी न लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम एक साल स्टेटस में डालो कोई नहीं पूछेगा, रमता समता जोगी कोई नहीं तुमसे बात करेगा, तुम तो फालतू भ्रम में जी रहे हो, हम स्टेटस लगाते हैं हमारी दुनिया देख रही है, कोई कुछ नहीं, किसी को नहीं देख रहा, तुम्हें तब देखी जब तुम्हारे टैगलाइन में जबरदस्त VVIP सेलिब्रिटीज कोई स्टार का जब रोल मॉडल लग जाएगा, किसी विशेष पद में पहुंच जाओगे, तब तुम्हारे अंडर में लीडरशिप में लोग वर्क करेंगे, तब तुम्हारी लोग सुनेंगे, तब तुम्हारे पद की गरिमा होगी, तब तुम भी ज्यादा भटकोगे नहीं, ज्यादा देर रात स्टूडेंट, तब तुम जो बोलोगे वो संयमित बोलोगे, समझे। तो आ जाओ, कहने का मतलब है इनमें जीवन बसा लो, ये देखो ऐसे जीवन बसाओ ना कि बेलन क्या होता है बेटा, हाँ जी बच्चा, बेलन क्या होता है, सर ने बताया बेलन का वक्त प्रश्न क्या होता है, आधार की परिधि इंतु ऊंचाई तो 2πrh, बेलन का संपूर्ण प्रश्न क्या हो गया, वक्त प्रश्न गुणा सिरों का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, समझे ना, हमने कहा सिरे का क्षेत्रफल πr², सिरों का क्षेत्रफल तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2πr², ठीक है। तो इस तरह से बच्चा हम लोग पढ़ते हैं, और ये खोखले बेलन का आयतन, बस अंतर ये होता है आयतन में ही, बस R1-R2 करते हैं, यहाँ R1+R2 करते हैं, यहाँ R1+R2 और R1-R2 करते हैं, दोनों बैठ कर देते हैं, समझे। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, अपने मिलते हैं अगली क्लास पर, ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहो, मेहनत से पढ़ाई करो, ईमानदारी से लगे रहो, यही आशा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, ठीक।
गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आप सभी का। सारे बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं, आज थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, तो जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाएं। बायो केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, आज सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, परेशान ना हो, ठीक है, आज सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। और जितने पॉइंट्स केमिस्ट्री के हो चुके हैं वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मोन्टू गौतम खुश रहो बेटा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। यार लेट भी हो गया काफी आने में, और आप लोगों का एग्जाम डेट आ गई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो लगातार, ठीक है। अभी ऑफिशियल साइट पर तो नहीं शो हो रहा है, लेकिन जो पेपर की कटिंग जो है वायरल है उससे स्पष्ट है कि डेट आपकी 6 अगस्त और 7 अगस्त, यानी 6 तारीख को आप लोगों का एग्जाम होगा, ठीक है। 6 अगस्त को आपका एग्जाम है, इसको मान करके आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नमस्ते नरेंद्र पाल, रुचि पटेल, रोहित कुमार, प्रदीप सिंह, अभिषेक कुमार गुप्ता, सभी को नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे, ठीक है। तो हम लोग जो है वर्क पावर एनर्जी फिजिक्स की कॉपी निकाली है, आप लोग जल्दी से सारे लोग फिजिक्स की कॉपी निकाल लें, सभी विद्यार्थी फिजिक्स की कॉपी निकाल लें। उसमें हमने बताया था गतिज ऊर्जा का सूत्र, आप लोगों को पता होगा गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ एमवी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एमवी स्क्वायर, या गतिज ऊर्जा के बराबर होता है पी स्क्वायर बटे टू एम। ठीक है, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन टू एम, या गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एमवी स्क्वायर हो जाएगा। ये गतिज ऊर्जा के सूत्र है, ठीक है। अब इसी तरीके से स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मतलब किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण से जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को यू से दर्शाया जाता है ना, पोटेंशियल एनर्जी को यू से दर्शाते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई तक ले जाने में क्या होता है, गुरुत्व के विरुद्ध काम करना पड़ता है। जैसे कोई भी वस्तु है उसको पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्या करती है, खींचती है। कोई भी वस्तु है उसको पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। हर वस्तु पृथ्वी द्वारा आकर्षित की जाती है। अगर किसी वस्तु को धरातल से यह ऊंचाई पर ले जाएंगे तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य करना पड़ता है वही उसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा यू बराबर होता है एमजीएच। यू बराबर क्या होता है, एमजीएच होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद रखिएगा, यू बराबर एमजीएच, ठीक है। गुड आफ्टरनून मुकीम हुसैन, शिवम कुमार, यू बराबर एमजीएच, वेरी गुड। एम का मतलब वस्तु का द्रव्यमान, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, एच का मतलब ऊंचाई, कितने ऊंचाई पर ले जा रहे हो। यू बराबर एमजीएच होता है। यू बराबर क्या होता है, एमजीएच, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात किया जाए, यांत्रिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो क्या हो जाएगा, ई बराबर कुल ऊर्जा, ई बराबर होता के प्लस यू, यू बराबर ई बराबर होता के प्लस यू। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज एवं स्थितिज ऊर्जाओं के योग को कुल ऊर्जा कहते हैं। ई बराबर के प्लस यू होता है, के प्लस यू, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग कुल ऊर्जा होता है ई। ई बराबर क्या हो जाएगा, के प्लस यू, यांत्रिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा, ई बराबर के प्लस यू होता है, ठीक है। कुल ऊर्जा नियत रहता, ध्यान रखना, कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, लिखो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है, ना तो ऊर्जा नष्ट हो सकती है। केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा यहां तक। इसका मतलब यह है कुल ऊर्जा नियत रहती है। कुल ऊर्जा का मतलब ई का मान नियत रहेगा, कुल ऊर्जा नियत रहेगी। और ई का मतलब है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं का योग नियत रहेगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहेगा। के का मान अगर बढ़ेगा तो यू का मान घटेगा, के का मान घटेगा तो यू का मान बढ़ेगा। अगर गतिज ऊर्जा घटती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। पर दोनों ऊर्जाओं का योग क्या रहेगा? नियत रहेगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं का योग क्या रहता है? नियत रहता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। K plus U बराबर कांस्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो के प्लस यू बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होगा? कांस्टेंट बना रहेगा, ये नियत बना रहेगा। ठीक है, के प्लस यू, अगर के बढ़े तो यू घटे, के घटे यू बढ़े, उल्टा दोनों एक दूसरे का होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जैसे जैसे ऊपर वस्तु जाती है उसकी उसका वेग घटेगा, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो अगर वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर जाते समय गतिज ऊर्जा घटती है। गतिज ऊर्जा घटती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। जैसे जैसे वस्तु ऊंचाई पर जाएगी वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ध्यान देना। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वस्तु ऊपर जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है U बराबर mgh। स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है?
यह हम जी यह चौथा है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऊपर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगी स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, लेकिन जब स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। और कुल ऊर्जा की बात करें ऊपर जाते समय कुल ऊर्जा नियत रहेगी, कुल ऊर्जा अचर रहेगी, ना तो घटेगी ना तो बढ़ेगी, कुल ऊर्जा नियत रहती है। जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गतिज ऊर्जा का मान घटने लगता है, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है और कुल ऊर्जा जो है नियत बनी रहती है, कुल ऊर्जा नियत बनी रहती है। ठीक है, ऊपर जाते समय ऊंचाई बढ़ती है। जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाएगी वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा, इतनी बात सबको पता होना चाहिए। अब इसके बाद जैसे किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ दिया जाए, जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ दिया जाए, किसी ऊंचाई से छोड़ दिया जाए, किसी ऊंचाई से छोड़ दिया जाए, तो अगर किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ दिया जाए तो वस्तु जब नीचे आएगी ऊंचाई उसकी घटती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी, लेकिन वेग बढ़ता जाता नीचे आते समय तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो नीचे आते समय क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है, पोटेंशियल एनर्जी घटती है और गतिज वाली ऊर्जा नीचे आते समय गतिज ऊर्जा बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है नीचे आते समय। स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। हिमांशु पांडे काफी देर के बाद दिख रहे हो। स्थितिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना। लेकिन कुल ऊर्जा नियत रहती है, कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी। ऊपर जाते समय भी कुल ऊर्जा नियत रहेगी, नीचे आते समय भी कुल ऊर्जा नियत रहती है। कुल ऊर्जा के मान में कोई बदलाव नहीं आता है। ऊपर जाते समय स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा घटती है ना। नीचे आते समय क्या होता है, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा, लेकिन कुल ऊर्जा का मान क्या होगा, नियत रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो सरल लोलक की बात करें, ये सरल लोलक है, सरल लोलक का ये गोलक है, इसको माध्य स्थिति कहते हैं। माध्य स्थिति से जब इसको थोड़ा सा खींच करके जब छोड़ेंगे तो ये सरल आवर्त गति होने लगती है। ये कौन सी गति होती है, सरल आवर्त गति। सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है, सरल लोलक की गति, ये जो सरल लोलक की गति होती है वह सरल आवर्त गति होती है। सरल लोलक की गति कैसी गति होती है, सरल आवर्त गति होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो जैसे जैसे वस्तु, ठीक है, नीचे की ओर उतरेगी ऊंचाई घटेगी। अभी देखो ये वस्तु ऊंचाई पर है, अगर हम इसको धरातल माने तो ये वस्तु ऊंचाई पर है, स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है, और जैसे जैसे नीचे आएगी ऊंचाई घटेगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। नीचे आते समय इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और जो है गतिज ऊर्जा बढ़ती है। माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो सरल आवर्त गति में सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, सरल आवर्त गति में अगर हम माध्य स्थिति की बात करें,
माध्य स्थिति में, सरल आवर्त गति में अगर माध्य स्थिति में पूछा जाए, माध्य स्थिति में जब कण होगा, अगर कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा हो और वो अपने